हाँ तो भैया, आज हम फिर से माइनक्राफ्ट में आ चुके हैं। तो आज मैं पक्का फार्मिंग करने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं, ज़रा काम करते हैं थोड़ा फार्मिंग के लिए। तो सबसे पहले हम, और हाँ, मैं पिछली बार देखना ही भूल गया था कि ज़रा मैं ऊपर रखूँ। पॉइंट सेट कर देता हूँ और जरा चलते हैं। और कहाँ से आ जाते हैं, पता नहीं क्या है। क्रीपर भी आ गया था उधर। तो अभी चलते हैं। और हाँ, मैं पिछले वाले पार्ट में दिखाना ही भूल गया था, मतलब देखना ही भूल गया था कि मेरे पे दो मतलब पहले से ही एक विकेट पड़ी हुई थी। चलो अब कोई बात नहीं। तो अभी चलते हैं, जरा पानी भर के लाते हैं, मैं खाना खाऊंगा। मैं तो और भी तो था खाना, ठीक है। तो अभी खाना खा लेते हैं और पानी भरता हूँ पहले तो मैं अपने अपने खेत में। चलते हैं, पानी भरते हैं, ठीक है। इसको डाल के आते हैं उधर। तो ये करने के बाद बस इसमें पानी डालना है आपको करके, और एक डाल देते हैं और एक बीच की जगह पे और डाल देते हैं। तो ऐसे भर देना है बस पानी। तो भी भर देता हूँ। तो ऐसे ही इधर भी भरना है। ये कहाँ से हो गया? ओके, तो पानी की बकेट इधर डालो और इसमें से लो पानी थोड़ा। और इधर नहीं, इधर ऐसे करके पानी भर लेना और सब में भर लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी। तो पहले आपने तीन ये भर लेने, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे भरते चले जाना है, अपने आप ही वो भर जाएगा। मतलब अभी फिर से बताता हूँ मैं। एक बार इधर डाला, फिर उसके बाद इस वाले ब्लॉक पे, सेकंड वाले पे इस पे डाल दो, और फिर उसके बाद ये तीसरे वाले पे बस इस पे डाल दो, फिर बीच में से लो इधर डाल दो, फिर कहीं से भी ले लो इधर डाल दो, बस ऐसे भर गया। और मेरे को क्या करना था, थोड़ी इधर में डर्ट लगा दूँ नहीं तो मैं गिर सकता हूँ। और इधर और इसको हटाऊं जरा। थोड़ा स्लैब भी बना लूँ जरा, अकेशिया बोर्ड के बनाऊंगा, अकेशिया ज़्यादा अच्छी लगती है वो। पास एक्स चीज खत्म होने वाली, तो एक्स भी बना लेते हैं और एक हो बनानी हो होती है, पता नहीं क्या हो ही होती है, क्या होता है नहीं पता नहीं। तो पहले तो एक एक्स, ये सिंपल सी एक्स की बनी नहीं क्या, तो दो बनी। तो एक्स की रेसिपी है
और होई की रेसिपी है। तो बस ऐसे करके आपने ये दोनों चीज़ें बना, मतलब ये बना लेना होई और एक होई ले लेते हैं। और अभी चलता हूँ मैं ज़रा क्या होता रहता है ये, तो इसको तोड़ लेते हैं पहले। तो ये जैसे इसमें से पेड़ के प्लांट्स वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं मैं भूल भी गया, पेड़ तो कुछ अजीब ही है, कितनी हुई है, 9 हो गई। तो तो भैया काफी है इतना, और अभी चलता हूँ जरा। तो लैंग्स बना लेते हैं, ये बन गए। और अब बनाते हैं स्लैब बनाने का, ये तो ऐसे करके आप स्लैब बना लो, मतलब ये तीन रखने ऐसे लाइन में कहीं पे भी रखो, पर सीधे रखने। क्या हो गया इसको टच के नहीं हो, बस ऐसे कहीं पे भी, ऐसे बीच में कहीं से भी लाइन बना लो, आपको प्लैंक्स मिल जाएंगे। सारे ही बना लेता हूँ, प्लैंक्स आ गए और रात भी हो रही है। चलता हूँ पहले सोता हूँ यहाँ पे। सो जाते हैं। आज तो मैंने करनी थी, मतलब पिछली बार कर नहीं पाया, कभी क्रीपर आ गया। अबे क्या है ये, मेरे समझ में नहीं आता, यही तो घूमते रहते हैं हर टाइम। भी आ रहा है क्या, आ गया होगा। तो प्लैंक्स निकाल लेता हूँ मैं अपने। अरे यार पहले, चलो कोई बात नहीं, अब तो इससे क्या होगा मेरे को, मतलब पानी में नहीं गिरूंगा जैसे अभी गिर रहा हूँ ना बार 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 बार, तो ऐसे नहीं गिरूंगा, थोड़ा सही रहता है। यार क्या है यार, स्लैब की यही दिक्कत रहती है। क्या हो रहा है ये, ये भी लग गया और एक लास्ट ये बस। प्लैंक भी लग गए और इसको मैं तोड़ लेता हूँ, तो खाली तो क्या। अरे और ये तो अब क्या होगा कि मैं पानी में नहीं गिरूंगा, तो थोड़ा सही रहेगा। और अब
को कोई ले लेते हैं और वो से बस आपने क्या करना है, ऐसे क्लिक करना है तो ये ज़मीन जो है ना उपजाऊ हो जाती है। अब ये पानी में जब ऐसे मिक्स होगी ना, मतलब पानी इसके साथ है तो ये काली काली सी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो फसल है वो जल्दी उगेगी। तो यही करना है बस, होई का यही काम होता है, तो काफ़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। कहाँ तक हो जा रहा है बार बार। हाँ ये देखो ऐसी हो जाती है मिट्टी, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़मीन सही हो रही है, मतलब उपजाऊ टाइप हो रही है। तो इस पर अब मैं सीड लगा देता हूँ ला के। वही ये कहाँ से आ गया, इसको कुछ खिला के मैं टेम वेम नहीं कर सकता क्या? शायद से नहीं कर सकता मैं, क्योंकि कल पता है तो एक बार इसको मीट खिला के देखते हैं कहाँ ही देगा। कुछ भी ले जाता हूँ, ऐसा भी ले जाता हूँ। नहीं आ रहे थे, नहीं खाता होगा ये कुछ भी नहीं खाता। चलो छोड़ो, मैं अपने सीड लेके आता हूँ। और सीड मेरे रखे थे इसमें, ये रहे। और ये भी ले लेता हूँ मेलन के, मेलन के बाद में बताता हूँ, अभी नहीं, क्योंकि उसके लिए थोड़ी अलग ट्रिक टाइप लगती है। और क्या चाहिए था, हाँ गाजर लगा लूँगा। तो आते हैं अपने सीड्स, ऐसे करके लगा दो। बस ऐसे करके सब में लगा दो। जल्दी लग गए, तो ये हो गया ग्रास। तो लगा देते हैं, तो अब जो है बीटरूट के लगा देते हैं। सॉरी बीटरूट के लिए तो सीड चेंज कर, सीड मेरे ख्याल से निकल जाते हैं ऐसे। तो ये पता नहीं क्या है, बार 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 साइड में लगा दिखता है। रेड डाई आ रही है, तो ये तो इससे भी आती है। बीटरूट का कैसे लगाते थे, मेरे को बीट रूट का याद नहीं आ रहा। तो अभी बीट के लगा देता हूँ। भैया देखो हमारी फसल उगना भी शुरू हो गई है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, या फिर मैं अगले पार्ट में दिखाऊंगा। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो अच्छी लगे तो। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और जो भी हो सब कर देना, शेयर लाइक सब कर देना। और अगले पार्ट में हम जाएंगे उधर पानी में। और एक और चीज़ बतानी है आपको, मेरे ये भी बड़े हो गए हैं काफ़ी लेते हैं। क्योंकि ये फिर बाद में बहुत काम आते हैं पेपर वेपर बनाने के लिए। बस ये
फुल हुआ था तो इधर ठीक है, तो 34 आ गए मेरे पास। और उधर किस मोड को लगा देता हूँ। हाँ तो मैं ये कह रहा था अगले पार्ट में मैं इधर भी जाऊँगा और अपने लगा देता हूँ क्योंकि फिर ये, अरे यार ब्रश हो गया यहाँ पे, ये ग्रास पे नहीं लगता शायद, वो ग्रास ब्लॉक नहीं लग जाता तो बस इतनी बहुत है और ये लगाना।